शाओमी ने हाल ही में 3 स्मार्ट टीवीज इंडिया में लॉन्च किए थे, मी एलईडी टीवीज प्रो सीरीज के, 32 इंचेस, 49 इंचेस और 55 इंचेस के। इस वीडियो में मैं मी एलईडी टीवी 4A प्रो की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस टीवी के खास फीचर्स के और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और चलिए सबसे पहले इस टीवी की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये है मी एलईडी टीवी 4A प्रो, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। आपको ये स्टैंड मिलता है, ये जो स्टैंड है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही मजबूत है। साथ में बॉक्स के अंदर आपको ये इंस्टॉलेशन गाइड मिलता है और आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं स्टैंड को लगाने के लिए और वॉल माउंट को लगाने के लिए, और साथ में आपको ये स्पेशल रिमोट भी मिलता है। रिमोट में बहुत ही कम बटन है और एक स्पेशल बटन है, ये देखिए यहाँ पर, ये है वॉइस इनपुट का बटन। तो ये जो टीवी है ये वॉइस इनपुट सपोर्ट करता है। चलिए अब ये जो मेन टीवी है उसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। इस टीवी का जो पैकिंग है दूसरे टीवीज के मुकाबले काफ़ी अलग है। यहाँ पर जो टीवी है इस प्लास्टिक के बैग में है और आपको ये जो बैग है इस प्रकार से बाहर निकालना है। ये लीजिए, टीवी को मैंने निकाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं या इसे स्टैंड पर भी लगा सकते हैं। मैं इसे स्टैंड पर लगा देता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसे स्टैंड पर लगा दिया है। आगे से ये इस प्रकार का दिखता है और पीछे से ये इस प्रकार का दिखता है। चलिए मैं आपको जो पोर्ट्स है पीछे की तरफ उसके बारे में बता देता हूँ। वॉल माउंट के लिए ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए मैं पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। 3 HDMI पोर्ट्स है, उसके नीचे 2 USB पोर्ट्स है और उसके नीचे है एंटीना पोर्ट। ये देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ऑडियो पोर्ट्स है, SPDIF पोर्ट है और RJ45 पोर्ट है वायर्ड नेट कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए साइड से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है, स्टैंड पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस टीवी की जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है। इस रिमोट में मैंने बैटरी डाल दी है और ये जो टीवी है इसे मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। अब ये जो टीवी है मी एलईडी टीवी 4A प्रो और जितने भी प्रो सीरीज के टीवीज लॉन्च हुए हैं उनकी खासियत ये है कि ये एंड्रॉयड ओरियो रन कर रहे हैं। साथ में आपको पैचवॉल का जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलता है और गूगल का जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलता है, तो दोनों चीज़ें आपको इस टीवी में मिल जाएगी। मैंने फिलहाल पैचवॉल जो इंटरफेस है उसे सेलेक्ट किया हुआ है। देख सकते हैं कि ये जो पैचवॉल इंटरफेस है होम पेज का जो आप देख रहे हैं, ये आपको बहुत ही बढ़िया जो टीवी एक्सपीरियंस है वो देता है। जैसे जैसे आप इस टीवी का उपयोग करते हैं वैसे वैसे जो कंटेंट्स है वो आपके लाइकिंग के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर देगा। मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक टाइप के मूवीज़ पसंद आते हैं जैसे कि एक्शन मूवीज़, तो आपको एक्शन जो कंटेंट्स है वो दिखाना शुरू कर देगा। सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये देखिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो टीवी है ये गूगल ओरियो रन कर रहा है, आपको गूगल प्ले स्टोर का भी एक्सेस मिलता है। मतलब कि आप गूगल प्ले स्टोर से आपका जो मनपसंद एप्लीकेशन है टीवी से रिलेटेड उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस टीवी का जो स्क्रीन है 49 इंचेस का है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये HDR भी सपोर्ट करता है। इसमें 20 वॉट्स के स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो नीचे की तरफ है। ये एंड्रॉयड टीवी है, इसमें आपको पैच वॉल और एंड्रॉयड दोनों का ही एक्सपीरियंस मिल जाता है। रिमोट पर 2 बटन्स दिए हुए हैं, एक तो मी का बटन है और दूसरा जो है वो गूगल का बटन है। तो जो राइट वाला बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया देख सकते हैं कि गूगल का जो इंटरफेस है वो आ गया है। अगर आपने जो गूगल टीवीज देखे होंगे जो गूगल ओरियो रन कर रहे हैं बेसिकली, तो उनका इंटरफेस इस प्रकार का होता है। यहाँ पर भी आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं आपके यूसेज के हिसाब से। जैसे जैसे आप टीवी का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आपका जो रिकमेंडेशंस है बेहतर होते जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मी का बटन है रिमोट पर, उसे प्रेस करते ही जो पैच वॉल का इंटरफेस है वो लोड हो जाता है। तो इस टीवी में आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको पैच वॉल पसंद है तो आप पैच वॉल का उपयोग कर सकते हैं या तो जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का जो इंटरफेस है वो भी अवेलेबल है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर है, माली 450 GPU के साथ में, 2 GB रैम है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। इसमें ब्लूटूथ 4.2 है और बिल्ट इन वाईफाई भी है, लेकिन जो वाईफाई है वो सिंगल बैंड है, मतलब कि 2.4 GHz। पैच वॉल इंटरफेस यूनिक है और काफ़ी आसान है, आप जल्द ही सीख जाएंगे। इनफैक्ट आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ब्राउसिंग करना है। सिंपल सा रिमोट है, बहुत ही कम बटन्स है। ये देखिए ये है गूगल प्ले स्टोर और यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन देख रहे हैं वो टीवी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में जो भी एप्लीकेशंस है वो सारे के सारे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लिस्टिंग्स आपको दिख रही है ये टीवी से रिलेटेड है। इसमें गूगल प्ले का एक्सेस है, इसमें यूट्यूब भी है। ये देखिए जो वीडियो है मैं यूट्यूब के जरिए प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि ये फुल HD टीवी है, जाहिर है कि जो कंटेंट्स है मैं फुल HD रेजोल्यूशन में प्ले कर पाऊंगा।
अगर आपको याद होगा, मैंने मी टीवी 4 का रिव्यू किया था। बहुत ही स्लिम टीवी था, लेकिन उसमें वॉइस इनपुट नहीं था। इस टीवी में आपको वॉइस इनपुट मिलता है। उसके लिए एक स्पेशल बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करके आपको सिर्फ बोलना है। बहुत ही आसान है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। जैसे आपको लिसनिंग दिख जाएगा नीचे, आपको बोलना है। HDR 4K सैम्पल। इसने गूगल वॉइस सर्च का उपयोग करके आपको कंटेंट्स दिखाना शुरू कर दिया है, तो वॉइस से बहुत ही आसानी हो जाती है। इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन आता है, मतलब कि आप अपने दूसरे डिवाइसेस का उपयोग करके इस टीवी पर उस डिवाइस से स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो क्वालिटी आपको मी टीवी 4 प्रो 55 इंच में मिलती है, मतलब कि एक तो टीवी का जो डिज़ाइन है वो अनोखा है, बहुत ही स्लिम डिज़ाइन है, तो वो जो क्वालिटी है और इसकी जो क्वालिटी है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वैसे प्राइस का भी डिफरेंस है। अगर आपका लिमिटेड बजट है तो आप इस टीवी के लिए जा सकते हैं। ये है मी LED टीवी 4A प्रो 49 इंच के स्क्रीन के साथ में आता है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD। अगर आप ये टीवी खरीदने का सोच रहे हैं और जब आपको डिलीवरी मिलती है तो जो पैनल्स है उसे अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कोई गैप्स तो नहीं है। जो फिनिशिंग है वो भी चेक कर लीजिए, अच्छी है या नहीं। स्क्रीन दबाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टच स्क्रीन नहीं है, ये एक टीवी है, इसे आप एक ही जगह पर रखने वाले हैं। साउंड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशूज़ थे जो कुछ ही दिनों में फिक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास केबल टीवी है तो आप ये एक्सेसरी खरीद सकते हैं। इसका नाम है मी IR केबल। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बता देता हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर आपको ये मी IR केबल मिलता है, और साथ में एक छोटा सा बुकलेट मिलता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है किस प्रकार से आप इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये एक USB पोर्ट जो है टीवी का, उसका उपयोग करने वाला है। और ये है 2 IR, इसे आपके जो सेटअप बॉक्स है उसके आगे रखना है। एक बार आपने इसका सेटअप कर लिया तो जो आपका सेट टॉप बॉक्स है उसे आप अपने मी रिमोट के साथ में कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे तो मैं सेट टॉप बॉक्स का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एरिया है जहाँ पर आप रिमोट को पॉइंट करते हैं सेट टॉप बॉक्स की तरफ, तो वहाँ पर ये जो मी का IR केबल दिया हुआ है उसका जो IR है उसे आपको वही एरिया पर पॉइंट करना है, मतलब कि ये जो डिवाइस है इसे आपके सेट टॉप बॉक्स के नज़दीक रखना है। तो ये जो IR है इसे आपको सेट टॉप बॉक्स का जो IR है उसके आमने सामने रखना है। तो जो मी टीवी है इस केबल के ज़रिए आपके सेट टॉप बॉक्स के साथ में कम्युनिकेट करेगा। वैसे आपको मी टीवी का जो सेटिंग है उसमें जाके आपका जो प्रोवाइडर है, केबल प्रोवाइडर है, उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन, DTH वगैरह वगैरह। तो क्या आपको ये टीवी खरीदना चाहिए या नहीं? वैसे मी LED टीवी 4 प्रो 55 इंचेस वाला जो टीवी है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन उसकी कीमत है 50,000 रुपये के आसपास। और अगर आपका बहुत ही लिमिटेड बजट है, मतलब कि 30,000 के आसपास, तो आप इस टीवी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो है 29,999 रुपये। ये जो प्राइस है ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये टीवी आप अमेज़ॉन से ख़रीद पाएंगे 9 अक्टूबर को रात के 9 बजे। तो ये मी टीवी 4A प्रो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।